अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। मैं डॉक्टर अवैस आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि पता है आपको, मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल ओपन किया था स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनकी काउंसलिंग करने के लिए जो है मैंने ये चैनल ओपन किया था। तो आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो ड्यूरिंग स्टडीज़ अपने एक्सपेंसिस को मीट करना चाहते हैं और अपने एक्सपेंसेस को मीट करके अपने जो अखराजात हैं उनको साथ साथ चलाना चाहते हैं। अब देखें, स्टडी के दौरान आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, आपने उसी टाइम के अंदर अपने एक्सपेंसेस को मीट करना है, ठीक है। उसमें आपने अपनी स्टडी को भी टाइम देना है और आपने अपने जो है बाकी जो मामला हैं उनको भी डील करना है। तो इसमें कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। पहला आइडिया हमारे पास आ जाता है कि आप एक अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आपकी कोई भी स्पेशलिटी है, आप मैथमेटिक्स के अच्छे टीचर हैं, आप मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दें, आप बायो या केमिस्ट्री के अच्छे टीचर हैं, आप बायो या केमिस्ट्री को डील कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आर्ट्स में अच्छी महारत रखते हैं तो आप आर्ट्स को भी डील कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। आप अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी अकेडमी भी बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास इतने सोर्सेज हैं। अगर नहीं तो अकेडमी ज्वाइन कर लें, कोई भी आपके पास बेस्ट हो। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप होम ट्यूशन दे सकते हैं। होम ट्यूशन में आपको ये एक लिमिटेड सा टाइम होगा, एक घंटा दो घंटा, तो आपको अच्छी अर्निंग जो है ना उससे हो सकती है, तो ये एक बेस्ट सोर्स है। उसके पास है फार्मेसी या मेडिकल स्टोर। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप भी फार्मेसी भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पर दो घंटे तीन घंटे जो भी आपके डिसाइडेड आवर्स हैं, जितना आप ईजिली कर सकते हैं आप वो वहाँ पे दें, तो वहाँ से इंशाल्लाह आपको अच्छी अर्निंग हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन आती है, ग्रॉसरी स्टोर, ठीक है। आपने देखा है काफ़ी ग्रॉसरी स्टोर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, अगर आप वहाँ पे भी काम करना चाहते हैं, आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रही तो वहाँ पे भी आप टाइम दे सकते हैं। फिर हमारे पास है ऑनलाइन सेलिंग, आप ऑनलाइन भी अपना जो है सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे OLX है, आप कुछ चीज़ें परचेज करें, लैपटॉप ले लें, कुछ हेडफोन्स ले लें, वूफर वगैरह हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली मोबाइल आप ले सकते हैं, ठीक है। आप उस पर गाड़ियाँ भी सेल कर सकते हैं, आप उस पर बाइक्स वगैरह भी सेल कर सकते हैं। आप ड्यूरिंग स्टडी के दौरान में ये है कि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी, लेकिन आप छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं, ठीक है, आप उसको लेके सेल कर दें। कोई भी अच्छी हैंड फ्री, कोई पावर बैंक वगैरह, ठीक है, चार्जर वगैरह, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं आप छोटी छोटी चीज़ें इनको सेल कर सकते हैं। बेसिक ये है कि आपने अपने एक्सपेंसेस को मीट करना है, तो आप इसको अपने साथ लेके चलें तो इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएंगे। अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, मैं फार्मेसी का स्टूडेंट था तो हम फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे काम करते थे। सुबह हम यूनिवर्सिटी जाते थे, शाम को हम वहाँ पर जाते थे, ठीक है, तीन चार घंटे देते थे, 8-10 हज़ार हमें वहाँ से मिलता था, हमारे एक्सपेंसिस मीट हो जाते थे। तो ये बेहतर है कि बजाय इसके कि आप घर वालों से बार बार डिमांड करें या किसी और से डिमांड करें, आप खुद अपने आप में टेक्निकल स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स ले गए हैं ताकि आपके लिए बेहतरी हो सके, ठीक है जी। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो भी मैं स्टूडेंट्स के कैरियर के बारे में ही अपलोड करूँगा, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।